अफेयर की बात सबकी चिंता है और एक स्टैंडर्ड सवाल जवाब आता है कि एयरफेयर सरकार के हाथ में नहीं है, नहीं है ना मंत्री जी? तो नारा किसने दिया था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे? जब आपके हाथ में था ही नहीं तो नारा किसको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया था? और आपकी अगर जिम्मेदारी नहीं है तो हम तो बचपन में सुना करते थे ब्लैक होता है, उस समय हम लोग बचपन में जहां से आते हैं यूपी बिहार के बॉर्डर पर किरासन तेल का ब्लैक होता था, चीनी का ब्लैक होता था ना, हमारे गांव से तो आपके बक्सर से हम किरासन तेल लेकर आते थे तो ब्लैक होता था। तो ये तो आपने ऑफिशियली परमिट कर दिया उनको कि जितना चाहो, चाहो तो यहां से बनारस का किराया 3000 है, चाहे तो 30000 ले लो और सरकार हाथ खड़ा कर दे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो लूटने वालों को कंट्रोल में नहीं रख सके। ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मंत्री जी, या तो फिर देश से माफी मांगनी पड़ेगी कि सर्वोच्च नेता ने, मैं नहीं कहूंगा सत्य नहीं कहा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। चौथी बात मैं सर एयरपोर्ट्स की है, मैं और मेरी पार्टी इस बात के सख्त खिलाफ है कि एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। आप उनसे सर्विसेज हायर करिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एसेट्स को बनाया जाए, एसेट को बेचा नहीं जाए। एसेट को बेचने से आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है सर, और हमारे यहाँ जो माँ बाप के बनाए हुए संपत्तियों को बेच देता है उसे अच्छा नहीं कहते हैं, थोड़ा रूढ़ शब्दों में बोलूं तो नलायक कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो मैं ये चाहूँगा कि जो एयर उसका दूसरा दुष्परिणाम होता है, जो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन कास्ट कलकत्ता में 5500 रुपये स्क्वायर फीट आता है, वो दिल्ली का बनता है तो 12000 रुपये स्क्वायर फीट आता है, तो उसकी कीमतें कौन वसूलता है? उसकी कीमतें तो हमसे भी हमें से वसूली जाती है ना। अभी CISF को हटा दिया गया मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी चेक पॉइंट से, प्राइवेट लोग आए हैं, अब वहाँ सिक्योरिटी का भी सरकार को देखना चाहिए। हम सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, जहाँ भी सिक्योरिटी चेकिंग की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, उसके साथ कोऑपरेशन है, लेकिन सिक्योरिटी कैसे स्मूथ हो जाए इस पर भी ध्यान देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और जो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है इस पर भी दो चीज़ मेरा व्यक्तिगत रूप से सुझाव है, अगर एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में देश के सारे एयरपोर्ट्स को दे देंगे या अधिक से अधिक एयरपोर्ट को दे देंगे, एंड फॉर दैट मैटर यू हैंड ओवर मोस्ट ऑफ द एसेट्स टू एनी इंडिविजुअल एनी कंपनीज हैंड, और कल को उसका कुछ भी उल्टा होता है तो आपने तो पूरे देश के सिस्टम को एक हाथ में दे दिया है। और ये जो सॉफ्टवेयर जो मुझे समझाया गया है, बताया गया है, जो डायनेमिक एयरफेयर की बात करते हैं उन्हीं के हाथ में होता है। आप 5 बार चेक कर दीजिए एयरलाइन को, बेंगलोर का किराया कितना है, 6ठे बार देखिए तो सीटें उतनी ही रहेगी, किराया बढ़ जाएगा, इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मेरे एक कुछ सुझाव थे जिसको मुझे लगता है कि सरकार अगर संज्ञान में ले तो अपने उस नारे को भी पूरा कर पाएगी कि हवाई आजकल को हवाई चप्पल वाले तो सोच भी नहीं सकते वहाँ जाने के लिए, हवाई चप्पल वाले नहीं सोच सकते हैं, वहाँ के जो साफ से वहाँ कोई आम आदमी अगर चला भी जाए तो वहाँ कुछ वो उसके कैंटीन में खा नहीं सकता, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी पहली सरकार है कि सब कुछ प्राइवेट हाथों में, और फिर वो बोलता हूँ कि शायद हम लोग का देश उन गिने चुने देशों में है जो हवाई चप्पल से वाले को हवाई जहाज का नारा देने वालों ने देश की इकलौती एयरलाइन इंडियन एयरलाइंस को भी बेच दिया। तो बेचने का काम बंद होना चाहिए, बनाने का काम शुरू होना चाहिए। सिक्योरिटी है सर, जो BCS को खास तौर से मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, इक्विपमेंट को अपडेट करने की जरूरत है और सिक्योरिटी हैसल्स को दूर करने की जरूरत है। मेरे कुछ सुझाव थे, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।